प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, सबको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। क्षमा शब्द का अर्थ बहुत साधारण है, अपने आप में समझ में आ रहा है कि हम किसी की भी जानी अनजानी गलती पर क्षमा करना सीख जाएं, ताकि हम अपने अभिमान को और हम अपने क्रोध को बस में करें। इसीलिए मनुष्य को क्षमाशील बनना चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में कोई अपराधी पल रहा है या कुछ इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है तो हम उसको क्षमा कर दें। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि हम दबी जुबान से उसका समर्थन कर रहे हैं या उसका प्रतिकार करना नहीं चाहते, इसको क्षमा नहीं कहते। क्षमा उसको कहते हैं जो जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है या हमारी थोड़ी बहुत कोई हानि हो रही है, परंतु हम उसको क्षमा करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर पनप रही है, हम उसको क्षमा कर सकते हैं, तो इसको क्षमा कहते हैं। क्षमा अपने आप में मनुष्य में एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता, और जो क्षमाशील व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने क्रोध को नियंत्रण में रख सकता है। इसीलिए जो क्षमा करना जानता है वो क्रोध जैसे एक भयंकर अवगुण को अपने वश में करने की शक्ति रखता है। इसीलिए जिसके अंदर क्रोध होता है, क्रोध अत्यधिक रजगुण और तमगुण की वृद्धि के कारण क्रोध आता है। काम एष क्रोध एष रजोगुणी समुद्भव। रजोगुण के कारण या तमगुण के कारण मनुष्य काम के वशीभूत होता है या क्रोध के वशीभूत होता है। जब हम रजोगुण और तमगुण से ऊपर उठ करके सात्विक भाव में आ जाते हैं, क्रोध को वश में कर सकते हैं, तो हम क्षमाशील बन सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई कमजोर व्यक्ति है तो किसी का प्रतिकार कर नहीं सकता तो वो क्षमाशील है, ऐसा नहीं। अत्यधिक बलवान, अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक शक्तिशाली ऐसे मनुष्य भी ऐसे देखे जाते हैं कि संसार में बहुत क्षमाशील होते हैं, जैसे भगवान रामचंद्र जी। रावण जैसे अत्याचारी को मारने की शक्ति रखते हैं, लेकिन जो उनको राजपाट के सिंहासन में बैठने से जो मना करता है और वनवास देता है, उनके लिए भी क्षमा कर सकते हैं, ये क्षमाशील कह सकते हैं। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी, वो बड़े क्षमाशील थे। इतने बड़े तपस्वी होने के बावजूद समाधि अवस्था में बैठे थे, एक व्याधा ने आकर के उनको पूछा कि मेरा शिकार तुम्हारे सामने से कहीं जाता हुआ दिखाई दिया, वो बोले नहीं। एक तो वो समाधि अवस्था में थे, और दूसरी बात, यदि वो बोल देते कि हाँ तुम्हारा शिकार इस रास्ते से चला गया, तो जिस धर्म के मार्ग पर चलना चाहते थे वो सत्यवादी नहीं बन सकते थे, क्योंकि किसी आप सत्य बोल रहे हैं और आपके सत्य के पीछे किसी निर्दोष प्राणी का प्राण चला जा रहा है तो उसको सत्य नहीं कहते। वो मौन रहे। व्याधा ने क्रोध आवेश में आकर के उनके कानों में कीला ठोक दिया, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त कर गए, उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। इसको कहते हैं क्षमा करना। इसी प्रकार तीनों देवताओं में सबसे महान कौन है, इसको परीक्षण करने के लिए भृगु को तीनों देवताओं के पास भेजा गया। ब्रह्मा के पास गए, शिवजी के पास चले गए, उन्होंने कुछ अभिवादन में चूक कर दिया तो उन्होंने क्रोध के वश में आकर के उनको फटकार लगाया। भगवान विष्णु के पास चले गए, भगवान विष्णु के पास जाकर के भृगु जी ने, लक्ष्मी जी के पास निवास कर रहे होते हैं,
भगवान विष्णु, उन्होंने भगवान विष्णु के छाती में जाकर के अपने पैरों से ठोकर मारा। लेकिन भगवान विष्णु ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, अरे प्रभु, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? मेरी इतनी कठोर छाती में आपके पैरों में चोट लगी होगी। उनके पैरों को सहलाया, तनिक भी उनके अंदर क्रोध नहीं आया। और इतना अशिष्ट करने के बावजूद भी उन्होंने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया। इसलिए भगवान विष्णु को सात्विक स्वरूप कहा जाता है, क्रोध को जीत लेने वाला स्वरूप कहा जाता है, उनको महान कहा जाता है। तीनों देवताओं में सबसे महान कहलाए। तो मनुष्य महान कब होता है? जो क्षमाशील बन सकता है, वो सबको क्षमा कर सकता है। क्षमा के गुण हमारे अंदर यदि आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर चलने के योग्य हैं। हम धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। धर्म के लक्षणों के मध्य जो दूसरा लक्षण क्षमा है, उसको हमने अपने हृदय में धारण कर लिया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो क्षमा एक अपने आप में मनुष्य को महान बनाता है। मनुष्य को महान बनने के उद्देश्य से क्षमाशील नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को क्षमा अपने हृदय में धारण क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम धर्म के मार्ग का अनुसरण कर सकें, हम धर्म के स्वरूप को प्राप्त कर सकें। यदि 10 लक्षणों के अंतर्गत क्षमा यदि हमारे अंदर नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर क्रोध है, हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति भी कभी धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण जी को शिशुपाल ने 100 गालियां दी। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि देखो शिशुपाल, तुम मेरे भाई हो और तुम्हारी मां के कारण मैं तुम्हारी 100 गालियों को सहन कर लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा करोगे तो मेरा धर्म का लक्षण बचेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें क्षमा तो कर दूंगा लेकिन तुम ऐसे अपराधी बन जाओगे, तुम्हें उसका दंड तो मिलना ही चाहिए। इसलिए 100 बार तुम्हें क्षमा कर दूंगा, 100 से ऊपर जब तुम मुझे गाली दोगे तो तुम्हें अपने करने का सजाए मिलेगा, तुम्हें उसका फल भुगतना होगा। तो उन्होंने 100 से ऊपर जब गालियां दी, तब शिशुपाल को उन्होंने पहले से सावचेत कराने के बाद में उनका वध किया। क्रोध के कारण नहीं, श्री कृष्ण जी ने धर्म के नियम को पालन करने के कारण, क्योंकि उन्होंने पहले दे दिया था, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो धर्म का मार्ग नहीं है, तुम्हें मैं बार बार समझा रहा हूं, यदि 100 से ऊपर तुमने अपनी सीमा को पार कर दिया तो तुम्हें इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्रोध के कारण नहीं, अपने धर्म को पालन करने के लिए, क्योंकि जब अति हो जाती है, पानी सिर से ऊपर हो जाता है, धर्म को कोई लांग जाता है, तो उसको यदि आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है तब भी उसको आप क्षमा करते जाते हैं, तो फिर उस अपराध को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रोत्साहन कर रहे हैं। इस उद्देश्य से श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया था, अन्यथा उन्होंने क्रोध के कारण नहीं किया। कर्तव्य करना चाहिए लेकिन क्रोध में आकर के नहीं, आवेश में आकर के नहीं, अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए, चाहे हम किसी को क्षमा कर रहे हैं, चाहे हम किसी को दंडित कर रहे हैं, उनको पहले से ही इस चीज की जानकारी देने के बाद दंडित करते हैं, तो उस दंड का भागी वो स्वयं बनता है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। इसलिए सभी व्यक्ति को क्षमा, अपने अंदर क्षमा करने का गुण धारण करना चाहिए, यह धर्म का लक्षण है। यदि हम इस चीज को धारण नहीं कर सकते तो भी हम धार्मिक नहीं कहला सकते। इन्हीं शब्दों के साथ में सब मेरा सम्मान।